गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन SST बुक रीडिंग क्लास, लेसन 18, केयरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। बच्चों, पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे हम सुरक्षा दें। द एजेंसी दैट मेंटेन पब्लिक प्रॉपर्टी इज द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, विच मेंटेन्स पार्क्स, रोड्स, ब्रिजेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विच प्रोटेक्ट्स एंड प्रिजर्व ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तो बच्चों, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने विभाग बना रखे हैं। पहला है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसको PWD कहते हैं, हिंदी में लोक निर्माण विभाग। ये क्या करती है, ये पार्क, रोड, ब्रिज और गवर्नमेंट बिल्डिंग को मेंटेन करती है, ठीक, उसका देख रेख करती है। कोई कमी आ जाए, कहीं टूट फूट हो जाए तो उसको मरम्मत करवाती है। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक, पुरातत्व विभाग इसको बोलते हैं, ये क्या करती, ओल्ड मॉन्यूमेंट एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये हमारे हिस्ट्री की बिल्डिंगें हैं ना, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है, ये हमारा इतिहास बताती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करती है। आगे देखते हैं, वी केयर फॉर अवर बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है संपत्ति या जायदाद, मीनिंग देखते रहेंगे, एंड फॉर द थिंग्स एट होम दैट बिलोंग टू आवर फैमिली। और बच्चों, हम क्या करते हैं कि जो हमारी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसकी तथा जो हमारे परिवार से संबंधित है, जैसे हमारे पिताजी ने कोई घर बनवा दिया या कोई मंदिर बनवा दिया, तो उसकी देख रेख कौन करता है, हम ही लोग करते हैं ना। उसी प्रकार वी आल्सो केयर फॉर थिंग्स दैट बिलोंग्स टू अवर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। और मान लीजिए कोई आपका दोस्त हो, कहे कि भाई मैं दिल्ली रह रहा हूँ, मेरा घर देखो, तो आप अपने दोस्तों और पड़ोसियों की भी संपत्ति की भी मतलब देख रेख करते हैं थोड़ी बहुत। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी लर्न टू केयर फॉर वाट बिलोंग्स टू एवरी वन ऑफ अस दैट वी कैन आल यूज देम। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें सीखना चाहिए कि वो चीज़ जो सबके लिए यूजफुल हो, सब यूज़ कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी की, उसको भी तो हमें देख रेख करनी चाहिए भाई, वो यूज़ कौन कर रहा है। आपके यहाँ जो पार्क है, सरकारी स्कूल है, वो कौन यूज कर रहा है, हम ही लोग तो कर रहे हैं, तो उसकी देख रेख हमें ही करनी चाहिए। We should not damage public property because it is meant for all of us to use. बच्चों, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना। जैसे पार्क में गए आप, झूला तोड़ दिए, या सड़क पे आप खोद दिए उसको बिना मतलब, उसको नुकसान कर दिए, तो इसका नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूज़ कौन कर रहा है, हम ही लोग तो कर रहे हैं। एनी हार्म टू पब्लिक प्रॉपर्टी इज लॉस ऑफ ऑल ऑफ अस एंड वी विल ऑल हैव टू पे मोर टैक्सेस टू रिपेयर एंड रिप्लेस इट। अगर बच्चों हम ऐसा करते हैं कि हमने डैमेज कर दिया, सड़क तोड़ दी, तो सड़क बनेगी कैसे, हमसे जो टैक्स लिया जाएगा उसी से तो सड़क बनती है, तो फिर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है केयर फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी रिफर्स टू अवर कन्वेंस है, इसका मतलब सुविधा होती है। बच्चों, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, हमारे लिए सुविधा ही तो है, टू मीट आउट आवर नीड्स। अब जैसे जागीरगंज का जो अस्पताल है, आपके घर गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, वो आर्थिक सुविधा के लिए तो बनाया गया है, ठीक।
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट दीज फैकल्टीज, सो वी मस्ट लर्न टू केयर फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। और बच्चों, इस सुविधा के बगैर, जैसे आपके यहाँ सरकारी लाइट लगी हो सड़क पे, स्ट्रीट लाइट, और उसको कोई तोड़ दे, तो रात में अंधेरे में आने जाने में मान लीजिए आपको जाना पड़ा, तो कितनी दिक्कत होगी भाई। कुत्ते भौंकेंगे, चोर डाकुओं का डर रहेगा, और जब प्रकाश रहेगा तो कोई डर नहीं रहेगा, आपको सब दिखेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।